नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं संपत सारस्वत, एक आम मतदाता इस लोकतांत्रिक देश का, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के आईटी सेल के कुछ लोग, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारी बहनें अपने अपने हिसाब से वीडियो डालकर गत दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणामों पर समीक्षा करते दिखाई दे रहे हैं और हम सबको कोस रहे हैं कि हमने हमारा नेतृत्व खो दिया। मैं एक आम मतदाता, मेरी राय आपके बीच में रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से वो चुनाव हारने के पीछे हमें दोषी ठहरा रहे हैं, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं कि आप समीक्षा करिए, पता करिए कि ऐसी स्थितियां क्यों हुई, क्यों ऐसे हालात पैदा हुए कि आज तीनों के तीनों राज्य हमारे हाथ से गए, जो कि हम सब के लिए बहुत जरूरी थे। स्थितियां बहुत कुछ बदली है। माननीय मोदी जी ने अथक प्रयास किए इस देश के, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, और उन प्रयासों के ऊपर इस प्रकार से मिट्टी लगना हम सबको बहुत दुखी कर रहा है, बहुत व्यथित कर रहा है। ना चाहते हुए भी हमें इस हार को स्वीकार करना पड़ रहा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, आखिर मोदी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, और वो गलती ये हुई है कि सलमा के 3 तलाक की चिंता करते करते उस सलमा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। अगर वोट दिया होता तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये हालात पैदा नहीं होते। आयुष्मान भारत के नाम से देश के 50 करोड़ लोगों के लिए माननीय मोदी जी जो स्कीम लेकर आए, अल्पसंख्यकों के लिए SC ST जैसे काले कानून के ऊपर जिस प्रकार से झुकाव उनकी लोबी में रहने वाले मंत्रियों के माध्यम से, जिस प्रकार से कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सामने अध्यादेश लाकर उसके ऊपर बदलाव किया गया, ये स्वर्ण समाज के व्यक्तियों के ऊपर सीधी चोट थी, और ये चोट का नतीजा है। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को आप उठाकर देख लीजिए, 10-20 ऐसी सीटें हैं जिनमें 2-2, 5-5, 10-10 वोटों से पार्टी चुनाव हारी है। नोटा में लोग गए हैं, करें क्या? हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं हम राहुल गांधी को वोट देंगे। अगर हम नोटा की तरफ जा रहे हैं तो हम निराश हैं, व्यथित हैं हम। मेरा माननीय मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मोदी जी पूरा राष्ट्र आपके साथ है, पूरा विदेश आपके साथ है। हमारे विदेश में रहने वाले दोस्तों के फोन आ रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, हम दुखी हैं इस बात से। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, खुलकर सामने आइए, SC ST Act जैसे काले कानून का जमकर विरोध करिए, सुप्रीम कोर्ट को साथ दीजिए आप, और जातिगत आरक्षण के खिलाफ प्रखच्चे उड़ा के रख दीजिए ऐसी तमाम उन सोच को जो इस राष्ट्र को खंडित करने का प्रयास कर रही है। और मैं वादा करता हूं, भले ही राम मंदिर हो, धारा 370 हो, गो हत्या हो, या जातिगत आरक्षण हो, या SC ST Act जैसा काला कानून, जिस दिन आप खुलकर सामने आ गए, इस पूरे विश्व की जनता आपके साथ होगी। और मैं आपको, एक आम मतदाता, किसी पार्टी की आईटी सेल का सदस्य नहीं हूं, एक आम मतदाता, आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन आप इस प्रकार से खुलकर सामने आ गए, इस विश्व की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती, और कांग्रेस तो कतई नहीं हरा सकती। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि खुलकर सामने आइए, और राष्ट्र विरोधी तमाम उन अटकलों को, राष्ट्र विरोधी तमाम उन प्रयासों को खंडित करके रख दीजिए, परखचे उड़ा दीजिए। ये एक भारतीय का आपको निवेदन है, ये संपत सारस्वत का आपको निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।